हेलो एवरीवन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो वोकैबुलरी का पोर्शन है, इस तरह के वोकैब्स जिसका मीनिंग आपको पूछा जाता है, आज हम इसमें से फोविया को कवर करने जा रहे हैं। फोविया का आपको मीनिंग पता है कि फियर होता है, तो देखते हैं किस किस तरह के है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोविया जो हैं। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आपको सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। और यदि आपको सेपरेट ग्रामर का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरा ग्रामर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्लोफोविया। एक्लोफोविया जो है उसका मतलब, एक्लो जो वर्ड है इसको हम थोड़ा सा बायफोकेट कर देते हैं, जो एक्लो है इज अ ग्रीक फॉर डार्कनेस, है ना, एक ग्रीक वर्ड है जो कि डार्कनेस के लिए यूज़ किया जाता है। फोविया का मतलब आपको पता ही है, फियर, तो एक्लोफोविया का मतलब हो गया फियर ऑफ डार्कनेस। अब बच्चे पूछते हैं कि सर कुछ ट्रिक्स बताइए जिससे मुझे याद रहे। तो आपको गाना याद रखो, याद होगा एकले चलो, है ना, तो अब भाई अकेले जाओगे तो डर तो लगेगा ही, तो फियर ऑफ डार्क इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्रोफोविया। एक्रोफोविया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स। तो एक्रोफोविया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो फियर ऑफ हाइट ये कॉज कर सकता है आपको, यू नो, इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट एंग्जाइटी एंड पैनिक। ओके, और कुछ रिसर्चर्स ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि एक्रोफोविया मे बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फोविया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है आपका, यहाँ पे देखिए एग्लियोफोविया, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है एग्लियोफोविया। और एग्लियोफोविया एक नाउन की तरह यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है, और जिसका मतलब सामने में लिखा हुआ है फियर ऑफ पेन। ओके, और फियर ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल पेन भी बोल सकते हो आप, तो ये इसका मतलब था। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है वो है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एग्रोफोविया, याद रखिए एग्रोफोविया। ओके, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड, और आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि इस एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ एंटरिंग ओपन और क्राउडेड प्लेस, है ना, कि आपको क्राउडेड प्लेस में जाना, है ना, ऐसे जगह पे, या फिर एंटरिंग इन ओपन और ओपन स्पेस में या क्राउडेड जगह पे जाना, प्लेसेस पे जाना, आपको वहाँ पे जाके डर लगता है, या फिर घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है, नहीं घर में ही रहना है, तो इस तरह के फोविया को हम बोलते हैं एग्रोफोविया। एक्मोफोविया, एक्मोफोविया का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अ फोविया ऑफ शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आपको डर लगता है, जैसे कि इसमें हो सकता है पेंसिल्स, पेंस, नीडल्स, पिन, सीजर। ओके, तो इस तरह की चीजों से जब आपको डर लगता है तो फिर ये फोबिया आएगा वहां पे। ओके, नेक्स्ट वन इज अमैक्सोफोविया। अमैक्सोफोविया का मतलब होता है फियर ऑफ ड्राइविंग कार, इट्स अ काइंड ऑफ अ पैथोलॉजिकल फियर ऑफ ड्राइविंग कार, सम यू नो एक्सट्रीम केस ऑफ एक्सट्रीम अमैक्सोफोविया कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन सोशल वर्क और प्रोफेशनल लाइफ। तो फियर ऑफ ड्राइविंग कार, ओके, जब आपको इस तरह का डर होता है तो वो उसको आप बोलेंगे अमैक्सोफोविया। फाइन, ओके, नेक्स्ट वन इज एंड्रोफोविया। अगेन जो वर्ड एंड्रो है वो ग्रीक वर्ड एंड्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मैन, और एंड्रोफोविया का मतलब होता है फियर, तो यानी कि फियर ऑफ मैन। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल फियर ऑफ मैन, तो इसमें आप एंड्रोफोविया यूज करेंगे। एंजिनोफोविया, ओके, जो एंजिनोफोविया है, ओके, ये अनकाउंटेबल अगेन, फियर ऑफ एंजिना
या फिर ओके एंजिना का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंजिना का मतलब होता है सीवियर पेन इन चेस्ट। ओके आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं द इरेशनल फियर ऑफ चोकिंग, घुटन का यू नो कि घुटन ना हो जाए मुझे, या एंजिना ना हो जाए यानी कि सीने में दर्द यू नो सीवियर पेन ना हो जाए, नैरोइंग ऑफ थ्रोट भी बोल सकते हैं कि भाई बिल्कुल चोकिंग जैसा ना हो जाए, है ना, दम ना घुट जाए, तो ये सारा इसमें आता है आपका एंजिनोफोबिया। ओके और अगला वाला जो है आपका है एंथ्रोपोफोबिया, एंथ्रोपोफोबिया। ओके तो ये होता है एंथ्रोपोफोबिया इज द फियर ऑफ पीपल। यदि हम बात करें द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ये इस टर्म को यूज नहीं करती है, लेकिन यदि आप सर्च करेंगे NIMH के वेबसाइट पे तो आपको इसके जगह मिलेगा सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर। ओके तो क्योंकि कुछ जो रिसर्चर हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो यू नो सोशियोफोबिया है और सोशल फोबिया है, ओके अ फियर ऑफ सोशल गैदरिंग, वो सेम है इसकी तरह, इसीलिए इसको यू नो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डज नॉट यूज द टर्म एंथ्रोपोफोबिया। ओके okay next one is a fan form phobia। okay इसका ये pronunciation है और इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे apaphophobia बोल सकते हो आप, haphophobia बोला जाता है, hapnophobia बोला जाता है और haptophobia बोला जाता है, okay और सेक्सोफोबिया बोला जाता है, तो ये सब इसी फोबिया के नाम हैं। और इसमें क्या होता है फियर ऑफ बीइंग टस्ट। ओके क्यों और बीइंग फियर ऑफ टस्ट भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, द फियर ऑफ टचिंग और ऑफ बीइंग टस्ट ऐसा बोल सकते हो आप। और ये किस लिए होता है, बिकॉज दिस इज ऑफन यू नो एसोसिएटेड विद अ फियर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसी के वजह से इसको इतने सारे नामों से जाना जाता है। सो नेक्स्ट वन इज अरेक्नोफोबिया। ओके तो अरेक्नोफोबिया का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ स्पाइडर। ओके मकड़ियों से जो डर लगता है आपको, फाइन। ओके अरिथमोफोबिया, अरिथमोफोबिया यानी कि फियर ऑफ नंबर्स। ओके और इसको हम न्यूमरोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, और ये आपको फियर ऑफ ऑल नंबर्स हो सकता है या फियर ऑफ स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, तो अब आप इसको समझ गए होंगे। ओके नेक्स्ट वन इज एस्ट्राफोबिया। और क्या आपको पता है एस्ट्राफोबिया का दूसरा और क्या बोलते हैं इसको, इसको हम यू नो एस्ट्रापोफोबिया भी बोलते हैं। ओके तो एस्ट्राफोबिया एंड एस्ट्रापोफोबिया दोनों सेम है, और इसका मतलब होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जो यू नो बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, लाइटनिंग भी होता है थंडर भी होता है, तो ये जो बिजली के करंटने से यू नो चमकने से इनसे जो डर लगता है, तो इसी को हम इस फोबिया के नाम से जानते हैं। ओके एंड नेक्स्ट वन इज अटैक्सोफोबिया। अटैक्सोफोबिया का मतलब होता है कि चीज़ों का यू नो वस्तुओं का चीज़ों का इधर उधर बिखरे होने से लगने वाला डर बोल सकते हो आप, फियर ऑफ डिसऑर्डर और अनटाइडीनेस। ओके ओके अटैलोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इम्परफेक्शन, यू नो उधेर बुन में लोग क्या कहीं गलत ना हो जाए, तो इस तरह का जो डर लगता है वो ये कहलाता है एथोलोफोबिया। ओके एटिकोफोबिया। सो एटिकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फेलियर, मे बी द पार्ट ऑफ अनदर मूड डिसऑर्डर एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर, तो ये सारे डिसऑर्डर के लक्षण हैं, तो इसमें यदि इस तरह के लक्षण हैं तो फियर ऑफ फेलियर That means what? कि ये फोबिया आपको है। ओके अब लास्ट वाला जल्दी से देखते हैं।
ओके और लास्ट वाला देखते हैं हम ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया को हम मोनोफोबिया के नाम से भी जानते हैं और इसका मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन और लोनली, ऐसा भी बोल सकते हो आप। और कभी कभी यू नो बीइंग अलोन इवन इन अ यूजुअल कंफर्टिंग प्लेस लाइक होम कैन रिजल्ट इन सीवियर एंग्जाइटी फॉर पीपल ओके विद दिस कंडीशन, तो ऐसा भी होता है। चलिए हमने ए लेटर से आने वाले जो भी फोबिया है वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बी लेटर से आने वाले जितने भी फोबिया हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारा कवर कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है और सेपरेट कोर्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।